तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स है गाइस जहां पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं। अंकुर वारिकू सर को अपना ये बिजनेस उनको देना पड़ा, तो ये सब मिलाकर के उनका 27 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है उनकी कंपनी का। अंकुर वारिकू सर की नेटवर्थ 100 करोड़ है या उससे भी ज्यादा है, ये जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और इसके साथ साथ मैं आपको अंकुर वारिकू सर की पूरी प्रोफेशनल करियर, पूरी प्रोफेशनल जर्नी बताने वाला हूं, उन्होंने कब से उन्होंने काम स्टार्ट किया, कहां कहां उन्होंने काम किया। उसके बाद हम जानेंगे उनके करंट अर्निंग सोर्सेज क्या क्या है, कहां से वो पैसा कमा रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा उनकी इन्वेस्टमेंट्स कहां कहां पे हैं, कौन कौन से स्टार्टअप्स में उन्होंने पैसा लगा रखा है, और इसके अलावा कौन कौन सी कंपनीज में वो को फाउंडर हैं, ये सारी चीजें जानेंगे। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उनकी नेटवर्थ जो है वो फिलहाल कितनी है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं माई कंपनी। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मैं उन लोगों में से हूं जो अंकुर वारिकू सर की वीडियो को 1.5x स्पीड पर चला करके देखते हैं, लेकिन इस वीडियो को आपको 1.5x पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरी स्पीड गाइस वैसे ही बहुत तेज है। अभी फिलहाल मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूं, लेकिन आगे जब मैं फ्लो में आऊंगा तो आप समझ पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि मैं खुद अंकुर वारिकू सर का काफी बड़ा फैन हूं और उनकी वीडियो देख करके ही मैंने कहीं ना कहीं अपनी जो गवर्नमेंट ऑफिसर वाली जॉब थी उसको छोड़ने का डिसीजन लिया था। खैर हालांकि वो जो इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में अंकुर वारिकू सर की नेटवर्थ के बारे में। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अंकुर वारिकू सर के प्रोफेशनल कैरियर के साथ जो कि स्टार्ट हुआ 2005 के अंदर। तो 2005 में अंकुर वारिकू सर ने अपना प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट किया एक NIS स्पार्टा नाम की कंपनी है जिसके अंदर उन्होंने कंसल्टेंट ट्रेनी कंसल्टेंट के पोस्ट पर काम करना स्टार्ट किया। एक साल यहां पर काम किया, उसके बाद वो स्विच हो गए। 2007 में दूसरी कंपनी में मैनेजमेंट कंसल्टेंट के पोस्ट पर काम किया और जो दूसरी कंपनी थी उसका नाम था क्लियरनी। इसके बाद 2007 में उन्होंने यहां पर अपना पहला जो स्टार्टअप था वो स्टार्ट किया एक्सेंटियम वेब के नाम से, और इस स्टार्टअप के वो को फाउंडर थे। और इस स्टार्टअप को उन्होंने 2010 तक कंटिन्यू किया और 2010 में इन्होंने शिफ्ट कर लिया रॉकेट इंटरनेट नाम की एक वेंचर कैपिटल फर्म को। तो गाइज अगर आपने रॉकेट इंटरनेट का नाम नहीं सुना है तो मैं बता दूं एक पॉपुलर कंपनी है, पॉपुलर वेंचर कैपिटल कंपनी है। और इस कंपनी के जो पॉपुलर बिजनेसेस हैं उनमें आता है फूड पांडा और एक ग्रुपोन आता है। फूड पांडा का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, अगर आपने ग्रुपोन का नाम नहीं सुना है तो अब आप इसके बारे में भी जान जाएंगे क्योंकि ग्रुपोन के साथ में अंकुर वारिकू सर की जर्नी जो है वो काफी ज्यादा जुड़ी हुई है। तो 2010 में ये टर्न हुआ था, उन्होंने रॉकेट इंटरनेट को ज्वाइन किया। अब 3 साल रॉकेट इंटरनेट के साथ काम करने के बाद 2013 में इन्होंने ग्रुपोन के ही बिजनेस को करना स्टार्ट कर दिया। ग्रुपोन के जो इमर्जिंग मार्केट्स का बिजनेस था जैसे कि इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और इंडिया, तो इस रीजन के जो बिजनेस है उनको मैनेज करना स्टार्ट किया अंकुर वारिकू सर ने। और इसके बाद एक मेजर टर्निंग पॉइंट आया 2015 के अंदर, जब जो ग्रुपोन की जो पेरेंट कंपनी थी, शिकागो बेस्ड कंपनी थी, उस कंपनी ने ग्रुपोन के इंडिया के बिजनेस को एक्वायर कर लिया, यानी कि अंकुर वारिकू सर को अपना ये बिजनेस उनको देना पड़ा कंपनी को वापस। और उसके बाद यहां पर इन्होंने स्टार्ट किया, इन्होंने जो अपना बिजनेस था उसे कन्वर्ट कर लिया nearby.com में। तो यहां से स्टार्टिंग हुई nearby.com की, जिसमें इन्होंने काफी लंबा 2019 तक काम किया। तो गाइज यहां पर अंकुर वारिकू सर ने काफी डाइवर्स काम किया है, कई सारी अलग अलग कंपनीज में उन्होंने काम कर रखा है। nearby.com में उन्होंने काफी ज्यादा काम किया, अभी भी nearby.com के सीईओ की पोस्ट उनके पास है। अभी भी nearby.com में अंकुर वारिकू सर को फाउंडर है और वहां पर एक बोर्ड मेंबरशिप भी, बोर्ड की पोजीशन भी उन्होंने ले रखी है। और लेकिन वो बाहर से ही उसका बिजनेस देखते हैं, उसमें जो डे टू डे रूटीन ऑपरेशंस है उसमें वो इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। तो यहां तक गाइज हमने जान लिया उनकी क्या प्रोफेशनल जर्नी रही है। इसके बाद 2019 से तो आप उन्हें देख ही रहे हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, लिंक्डइन पर वो काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उन्होंने कई सारे कोर्सेज भी लॉन्च किए हैं। तो अब बात कर लेते हैं गाइज उनके अर्निंग सोर्सेज की, वो कहां कहां से कितना कितना पैसा कमा रहे हैं। तो देखिए अगर आप भी अंकुर सर की वीडियोस को वॉच करते हैं तो आपको पता होगा अंकुर सर जो है वो अपनी वीडियो पर कहीं भी कोई एडसेंस का एड नहीं चलाते। उन्होंने खुद अभी एक रिसेंटली वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने 2022 के अंदर 27 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। हालांकि आपको उस वीडियो को, लंबी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं, मैं शॉर्ट में आपको यही बताने वाला हूं कि उनकी क्या अर्निंग रही है। तो गाइज उनकी जो पहली अर्निंग रही है वो एफिलिएट से रही है, 60 लाख उन्होंने 2022 में एफिलिएट से कमाया है। लेकिन ये अंकुर वारिकू सर की खासियत है, वो काफी ज्यादा चैरिटी करते हैं और ये एफिलिएट से जो भी वो पैसा कमाते हैं पूरा का पूरा पैसा वो बच्चों की एजुकेशन में दे देते हैं। तो एक बहुत ही अच्छे कॉज को वो फॉलो कर रहे हैं, तो मैं इसके लिए बहुत तारीफ करता हूं, बहुत अप्रिशिएट करता हूं, मैं फॉलो भी करता हूं उनको इसी वजह से। अब इसके बाद गाइज जो उनकी सेकंड जो उनकी अर्निंग सोर्स रहा है वो उनका बुक से रहा है। तो आपको पता है डू एपिक शिट उन्होंने बुक लॉन्च करी थी, मैं भी खुद इस बुक को पढ़ चुका हूं ऑलरेडी, हालांकि दूसरी बुक अभी मैंने ऑर्डर नहीं करी है। अब इसके बाद जो इन्होंने बुक से जो अर्निंग करी है गाइज वो करीब करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास करी है। फिर उन्होंने बताया कि ये कॉर्पोरेट टॉक से पैसा कमा रहे हैं करीब करीब 2 करोड़ रुपए का इन्होंने 2022 के अंदर कॉर्पोरेट टॉक से, यानी कि कंपनीज में जो कंपनीज होती हैं उनमें एम्प्लॉयज को कुछ ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए वो कुछ वहां पर जाते हैं और कुछ सेशन वगैरह करते हैं, तो उसके लिए उन्होंने 2022 में 2 करोड़ रुपया कमाया।
इसके बाद जो मेजर उनके इनकम सोर्सेज हैं गाइज उनके, वो है ब्रांड स्पॉन्सरशिप। और गाइज यूट्यूब पर या जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी सबसे मेजर इनकम होती है ब्रांड स्पॉन्सरशिप। तो ब्रांड स्पॉन्सरशिप से उन्होंने जो पैसा कमाया है वो करीब करीब 10.5 करोड़ रुपया कमाया है 2022 के अंदर। और इसके अलावा इसके सबसे ऊपर जो है वो कोर्सेज से उन्होंने अर्निंग करी है, करीब करीब 13 करोड़ रुपए की अर्निंग करी है उन्होंने कोर्सेज से। तो ये सब मिलाकर के उनका 27 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है उनकी कंपनी का। अब इसमें से उन्होंने कुछ सैलरीज भी दी है, तो वो सब अभी हम नेटवर्थ के पार्ट में डिस्कस करेंगे कि उनकी नेटवर्थ कितनी हो सकती। तो यहां पर हमने उनकी प्रोफेशनल करियर की जर्नी को जान लिया, कहां कहां वो काम करके आए, अभी फिलहाल उनके क्या क्या अर्निंग सोर्सेज हैं, अब उनकी इन्वेस्टमेंट्स को जानते हैं। तो गाइज अंकुर वारिकू सर को मैं काफी ज्यादा फॉलो करता हूं, तो मुझे उनका पता है कि वो क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करते हैं, वजीरएक्स का यूज करते हैं वो। इसके अलावा वो यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए INDMoney ऐप का यूज करते हैं। इसके अलावा वो स्मॉल केसेस का भी यूज करते हैं, स्मॉल केस के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में भी उनकी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है। तो ये सब जो इन्वेस्टमेंट हो जाती है गाइज ये तो एक कॉमन मैन की इन्वेस्टमेंट हो जाती है, लेकिन एज ए एंजल इन्वेस्टर भी वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। और उनकी एज ए एंजल इन्वेस्टर जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका अमाउंट काफी ज्यादा है, और वो ही प्रोपोर्शन उनकी नेटवर्थ को काफी ज्यादा इंक्रीज भी कर देता है। तो गाइज उनकी जो एज ए एंजल इन्वेस्टर उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें जो जो प्रोमिनेंट नाम है गाइज उनके नाम है जो स्टॉक्स में उनकी इन्वेस्टमेंट है, इसके अलावा INDMoney उसमें भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, विंट वेल्थ में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, विंट वेल्थ एक पैसिव इनकम जनरेट करने वाला फॉर्म है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं गाइस जहां पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं। अब बात करते हैं गाइस उनकी नेटवर्थ कितनी है। तो गाइस नेटवर्थ के लिए मैंने कई सारी उन्होंने रिसर्च करी, कई सारी चेक किया मैंने, तो मुझे किसी वेबसाइट पर कुछ डेटा मिला, किसी वेबसाइट पर कुछ डेटा मिला। एक वेबसाइट मेरे को 55 करोड़ का डेटा बता रही थी 2021 के अंदर, और एक वेबसाइट ने 2020 में ही मुझे करीब करीब 108 करोड़ का डेटा बताया। लेकिन यहां पर मुझे जो सबसे एक्यूरेट डेटा लगा उनकी अर्निंग सोर्सेज को उनकी इन्वेस्टमेंट्स को देखने के बाद, तो जो सबसे एक्यूरेट डेटा मुझे लगा वो था ये ट्रिपल जीरो बिलियनर नाम की एक वेबसाइट है जो स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। तो इस वेबसाइट ने इन्होंने अच्छे से इनका नेटवर्थ जो है वो शो कर रखा है। तो यहां पर इन्होंने बताया कि 2022 के एंड में इनकी जो नेटवर्थ है वो करीब करीब $8 मिलियन की है। तो $8 मिलियन को जब आप इंडियन रुपी में कन्वर्ट करेंगे तो गाइज ये जो अमाउंट है करीब करीब 64 करोड़ रुपीज के आसपास आता है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट तो गाइज ये डेटा भी नहीं हो सकता, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे जरूर होगा, लेकिन आई होप एंड आई थिंक जो मेरी रिसर्च रही है उसके बेस में 64 करोड़ का जो अमाउंट है वो यहां पर मुझे काफी ठीक लग रहा है। अगर अंकुर सर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज सर आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपकी नेटवर्थ जो मैंने एसेस करी है वो ठीक है या नहीं। और इस वीडियो को जब मैं बना रहा था तो मुझे काफी डर भी लग रहा था कि कहीं इसमें कुछ गलती नहीं हो जाए, क्योंकि अंकुर सर को मैं खुद अपना मेंटर मानता हूं, खुद मैं अपना उनको आइकन मानता हूं। तो गाइज ये मेरी रिसर्च के हिसाब से रहा है कि उनकी जो नेटवर्थ है वो करीब करीब 60-70 करोड़ के बीच में हो सकती है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में जो अंकुर वारिकू सर की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई डीमैट अकाउंट नहीं बनाया तो मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। और इसी तरीके की वीडियोस लगातार देखने के लिए गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा डेली वीडियो बुधवार से लेकर के रविवार तक आता है, आप प्लीज सब्सक्राइब करें, शाम को 4:30 बजे हमारा वीडियो आता है। मिलते हैं गाइस फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद जय भारत।